सोचिए आप किसी मॉल में जाएं और आपको आपके कपड़ों की वजह से एंट्री ही ना दी जाए। जी हाँ, कल्पना से इतर बेंगलुरु में ऐसा वाकया सामने आया है, जहां जीटी मॉल में एक बुजुर्ग किसान को सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उसने धोती पहन रखी थी। फिलहाल मामले में मॉल के मालिक और सुरक्षा गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि गार्ड्स ने कथित तौर पर किसान को पैंट पहनकर आने के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक किसान अपने बेटे के साथ जीटी मॉल के अंदर जाना चाह रहा था कि तभी एंट्री गेट पर सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक दिया और प्रबंधन के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि धोती पहने किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिससे किसान को अपमानित और शर्मिंदा महसूस होना पड़ा। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर किसान संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने मॉल के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया यूजर्स भी मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स और मैनेजमेंट की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि मॉल मैनेजमेंट ने बुजुर्ग किसान से माफी मांग ली है और उन्हें सम्मानित भी किया है। मामले को लेकर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बिरथी सुरेश ने कहा है कि मैंने मामले को लेकर हमारे पूर्व BBMP कमिश्नर से बात की है। कहा है कि ऐसे मामले में सरकार के पास कानून के तहत मॉल को 7 दिन के लिए बंद करने का प्रावधान है, इसलिए मॉल पर 7 दिनों के लिए ताला लगाया जाएगा। मामले को लेकर राजनीति भी गर्म है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने घटना को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में किसानों को धोती पहनने के लिए अपमानित किया जा रहा है। मॉल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कर्नाटक के CM धोती पहनते हैं, धोती हमारी शान है, क्या किसानों को मॉल में टक्सीडो पहनना चाहिए? कर्नाटक कांग्रेस इसकी अनुमति कैसे दे रही है? कांग्रेस सबसे बड़ी किसान विरोधी है। राहुल बाबा कहाँ है? क्या यही है किसानों के साथ न्याय? इस मामले में सामाजिक पक्ष है जो कि कहता है कि भारत जैसे देश में जहां ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, धोती कुर्ता जिनका पारंपरिक पहनावा है, उन्हें किसी सार्वजनिक जगह पर जाने से कैसे रोका जा सकता है? क्या इसे उनके लिए मानसिक उत्पीड़न नहीं समझा जाए? क्या इसे गिरते सामाजिक स्तर का जीता जागता उदाहरण न माना जाए? देश का संविधान भी हर व्यक्ति को आज़ादी देता है कि वो कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। कौन क्या कपड़े पहनेगा, ये अधिकार उस शख्स का होगा, ना कि दूसरों का। कोई इस आधार पर अगर किसी से भेदभाव करता है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।